विधायक देवेंद्र कुमार मनियाल ने आज म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से सांबा के बस स्टैंड पर बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का नींव पत्थर रखा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक देवेंद्र कुमार मनियाल ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि म्युनिसिपल कमेटी सांबा में अब तक का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इस 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब 40 दुकानें बनाई जाएंगी। आज पहले मंजिल की 13 दुकानों का शिलान्यास किया गया है, जिस पर करीब 39 लाख की राशि खर्च होगी। सांबा का जो हमारा न्यू बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी जो सांबा है उसकी तरफ से यहाँ पर एक न्यू शॉपिंग कम्प्लेक्स की हमने नींव पत्थर रखा है और उसका काम हमने यहाँ शुरू किया है। ये टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें 39 शॉप्स हैं, जिसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर आएगा। अभी फिलहाल हमारा 13 शॉप्स का जो ग्राउंड फ्लोर का प्रोजेक्ट अभी आज हमने स्टार्ट किया है, जिसकी लागत लगभग 39 लाख है। 39 लाख में ये प्रोजेक्ट जो है ये बनके तैयार होगा। उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन इसकी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में की जाएगी। और मैं समझता हूँ सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सांबा शहर में म्युनिसिपैलिटी की तरफ से ये पहला एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी PDP की सरकार ने यहाँ पर लाया है, और मैं इसके लिए अपने सांबा वासियों को भी मुबारकबाद दूंगा। सांबा से अमन कुमार, अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।